बाजार से कई बार आपने पिज्जा मंगाकर खाए होंगे, मगर घर का बना हुआ एक बार अगर खाएंगे ना तो बाजार का भूल जाएंगे। आज हम वेज पिज्जा बनाएंगे, वो भी डबल क्रस्ट चीज वाला। ये मिक्स्ड वेज पिज्जा बनाने के लिए पहले हम लोग पिज्जा की टॉपिंग को रेडी कर लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक प्याज को बारीक काट लिया है। नॉर्मल प्याज के बदले आप लोग स्प्रिंग अनियन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने 1 टेबल स्पून डाला इसमें स्वीट कॉर्न, 1 टेबल स्पून डाला कटे हुए लाल शिमला मिर्च, 1 टेबल स्पून कटे हुए हरी शिमला मिर्च और 1 टेबल स्पून कटे हुए पीले शिमला मिर्च के पीसेस। इन्हें आप क्यूब्स में या फिर लंबाई में काट सकते हैं। हमने यहाँ पर इन्हें छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसके बाद डाला हमने इसमें लगभग 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। इसे अब मिक्स करेंगे और सब्जी पर, पूरी सब्जी पर अच्छे से तेल लग जाना चाहिए। वो क्यों मैं आगे आपको बताऊंगी। आगे डालेंगे इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच पिज्जा सीजनिंग जो मिलती है वो डाल दी है हमने, और 1/2 चम्मच डाला हमने इसमें नमक। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी सब्जी पर तेल लगा के रखा था, तेल मिक्स कर लिया था, तो नमक डालने के बावजूद भी हमारी सब्जी में से पानी नहीं निकलेगा। सब्जी मैरिनेट करके ऐसे ही रखे रहने देंगे लगभग 1 घंटे तक। सारे फ्लेवर्स जो हैं वो सब्जी एब्जॉर्ब कर लेगी और बहुत टेस्टी बनेगा इससे हमारा पिज्ज़ा। अब बढ़ते हैं आगे। इस बोल में ले लिया है हमने 1.5 कप मैदा। मैदे का अब हम एक डो बनाएंगे पिज्ज़ा के लिए, पिज्ज़ा डो। बीच में थोड़ी सी पहले जगह बना लेते हैं। यहाँ पर डालेंगे हम 1 चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें नमक, फिर इसमें डाल देंगे हम 3/4 चम्मच इंस्टेंट ड्राई एक्टिव यीस्ट। इसको पहले फर्मेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे आप डायरेक्टली आटे में डाल सकते हैं। अब यीस्ट के ऊपर डाल देंगे हम गुनगुना गर्म पानी ताकि यीस्ट एक्टिवेट भी हो जाए अच्छे से, और फिर इसे हम पूरे आटे में मिक्स कर लेंगे किसी चमचे से। आप ये काम हाथ से भी कर सकते हैं। हमें एक सॉफ्ट डो बनाना है इसका। थोड़ा थोड़ा जितनी हमारी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए हम ये डो तैयार कर लेंगे। इतना आटा गूंदने के लिए हमें लगभग 150 ml पानी लग गया। अब हम आटे में 2 टेबलस्पून तेल मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप ऑलिव ऑयल या कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा का डो आटा हमारा बहुत ही अच्छा बना है। इसे अब हम प्रूफिंग के लिए छोड़ देंगे। उससे पहले किनारों पर, मतलब बॉल में पूरा तेल लगा लेंगे, क्योंकि आटा हमारा फूल जाएगा और चिपक जाएगा, इसलिए बॉल पर तेल लगा लेते हैं ताकि आटा बॉल के साथ चिपके ना। आटा उंगली से दबाने पर बाउंस बैक हो रहा है, मतलब आटा परफेक्ट बना है। इसके बाद इस बॉल को हम लोग किसी प्लास्टिक से या क्लिंग फिल्म से रैप करके रख देंगे किचन के किसी गर्म एरिया में या किसी बंद ओवन में 1/2 से 1 घंटे तक, या जब तक आटा इस तरीके से फूल कर डबल ना हो जाए। अब हमें इस आटे से पिज़्ज़ा की रोटी बनानी है, तो आटे को थोड़ा सा हम मांड देते हैं, नीड कर लेंगे। इसके बाद इस आटे को हम डिवाइड कर लेंगे 2 पोर्शंस में। एक जो पार्ट रखेंगे वो छोटा रखेंगे और एक पार्ट हम बड़ा ले लेंगे। क्योंकि हमको डबल क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाना है तो हमें पिज़्ज़ा की 2 रोटियां बनानी है, एक थोड़ी सी बड़ी और एक उससे छोटी। तो पहले हम बना लेते हैं बड़ी वाली पिज़्ज़ा की रोटी। थोड़ा सा सूखा आटा नीचे फैला लिया है, और आप बीच बीच में भी अगर ज़रूरत हो तो सूखा आटा यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा की रोटी को जितना बड़ा हो सके उतना फैला लीजिए। रोटी ज़्यादा ना मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली की फटी जाए उठाने से। और ये आपकी पिज़्ज़ा प्लेट पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा पिज़्ज़ा बना रहे हैं। यहाँ जो हमारी ये बेकिंग ट्रे है वो 9 इंच चौड़ी है। हमें जो रोटी बनानी है वो हमारे बेकिंग ट्रे से, प्लेट से कम 1 इंच बाहर निकलनी चाहिए। अब बेकिंग ट्रे पर थोड़ा सा मक्की का आटा छिड़क लीजिए। अगर आपके पास मक्की का आटा नहीं है यहाँ पर, जैसे हमारे पास भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैदे से ही काम चला लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर मैदा ही छिड़क दिया। एक्चुअली मक्की का आटा लगाने से जो हमारा पिज़्ज़ा का क्रस्ट है, जो पिज़्ज़ा की रोटी है, वो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। अब पिज़्ज़ा की इस रोटी को हमने रैंडमली एक फॉर्क की हेल्प से पियर्स कर लिया ताकि जो सारे फ्लेवर्स है उसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और ये अच्छे से पक जाए। उसके बाद इस रोटी को इस प्लेट के ऊपर फैला लिया। अब हमें अपने डबल क्रस्ट पिज़्ज़ा के लिए एक और रोटी बनानी है। ये वाली रोटी उससे छोटी होगी साइज़ में, मगर उतनी ही पतली होगी जितनी पहली वाली है। इसे बेल लेंगे हम। इस पर भी थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो।
अब इस रोटी को भी एक फॉर्क की हेल्प से हम लोग रैंडमली सब तरफ से पियर्स कर लेंगे, जैसे हमने पहली वाली रोटी पर किया था। इस रोटी को अब हमें सेक लेना है। हमने तवा ऑलरेडी रख दिया है गरम करने के लिए। चलिए अब इसे तवे पर डाल देते हैं सेकने के लिए। आँच हमने लो टू मीडियम रखी है। इस रोटी को हमें लगभग 1 मिनट से ज़्यादा नहीं सेकना है। 30 सेकेंड हम इसे एक साइड सेकेंगे और 30 सेकेंड दूसरी साइड। यहाँ पर एक साइड सेक गया है, बबल्स दिख रहे हैं। अब इसे हमने पलट लिया है और दूसरी साइड भी आप यहाँ बबल्स देख पा रहे होंगे। दूसरी साइड भी 30 सेकेंड्स ये रोस्ट हो गई है, इसे हटा लेंगे। इसके बाद अब हम पिज़्ज़ा असेंबलिंग का काम शुरू कर देते हैं। जो हमने रोटी पिज़्ज़ा प्लेट पर डाली थी उसके किनारों पर चारों तरफ पूरे तरफ से हम इस तरीके से चीज़, शेडेड चीज़, कद्दूकस की हुई चीज़ फैला लेंगे, डाल देंगे किनारों पर। और फिर उसे अंदर से जो एक्स्ट्रा डो बाहर लटका हुआ था आटा रोटी का, वो बाहर जो लटका था उसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे चीज़ के साथ। यहाँ हमने मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है, आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर नहीं है तो भी प्रोसेस्ड चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पूरी रोटी पर हम क्रीम चीज़ एक मक्खन के नाइफ़ की हेल्प से फैला लेंगे। चीज़ कितना यूज़ करना है, कितना डालना है, वो टोटली आपके मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, कम या ज़्यादा। बाज़ार के पिज़्ज़ा में तो काफ़ी भर भर के चीज़ होता है, चीज़ जितना डालेंगे उतना टेस्ट तो अच्छा आएगा, मगर ये टोटली आपकी हेल्थ कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है आप कितना खाना चाहते हैं। अब हमने लगा दिया इस पर पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस भी आप जितना मर्ज़ी चाहें उतना लगा लें, जैसे 4 से 5 टेबलस्पून हमने यहाँ पर लगा लिए। उसके बाद ये जो मैरिनेट करके हमने रखी थी सब्ज़ियाँ उसे भी इसके ऊपर डाल देते हैं। इसको घंटा भर हो गया, ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो पानी निकल जाएगा तेल लगाने के बावजूद। इसके बाद हमने इस पर बिखेर दिया ये श्रेडेड मोज़रेला चीज़। एक इतने बड़े 9 इंच के पिज़्ज़ा में लगभग 150 से 200 ग्राम तो चीज़ लग ही जाता है। उसके बाद हमने फिर से बची हुई सब्ज़ियाँ ऊपर डाल दी। सीजनिंग के लिए डाल देंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। हाथ से ही डाल देंगे छिड़क कर, चमचे से इतनी अच्छी तरह फैलता नहीं है सब तरफ से। इसके बाद ये चिली फ्लेक्स है, इसे भी ऊपर डाल देंगे। ये लगभग 1/4 चम्मच डाल दीजिए, ज़्यादा तीखा खाते हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं आप। फिर हमने लिया 1/2 चम्मच यहाँ पिज़्ज़ा सीजनिंग। पिज़्ज़ा सीजनिंग नहीं हो तो ऑरिगेनो का भी खाली यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा एजेस पे लगा लेंगे हम ये ऑलिव ऑयल, क्योंकि एजेस पर तो हमारा कोई फिलिंग नहीं डाली हुई है तो वो ड्राई हो जाएगा, काफ़ी हार्ड हो जाएगा बेक करते करते, तो ऑयल लगा लिया। इसके बाद हमने इसे बेक भी कर लिया। बेक करेंगे 250 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 250 डिग्री पर 10 से 12 मिनट के लिए। और जैसा आप देख रहे हैं पिज़्ज़ा हमारा परफेक्टली बनकर तैयार है, क्रस्ट भी क्रिस्पी हो चुका है। तो इस डबल क्रस्ट चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा को ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।